बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले एक साल से जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर विलेन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में लोगों की मदद के लिए रियल हीरो के रूप में छाप छोड़ रहे हैं। सोनू सूद एक ऐसे शख्स बनकर सामने आए जिन्होंने पिछले साल लॉकडाउन से लेकर कोरोना की दूसरी लहर तक अपनी मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाई है। आम आदमी हो, राजनेता हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग, हर कोई कोरोना काल में सोनू सूद के किए गए कामों की सराहना करते हुए थक नहीं रहा है और यही वजह है कि हर कोई उन्हें अपने ब्रांड का चेहरा बनाना चाहता है। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने बच्चों के लिए देश के मेंटोर प्रोग्राम का ऐलान किया है और सीएम ने अपने इस प्रोग्राम के लिए बतौर ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को चुना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनू को इस प्रोग्राम का एम्बेसडर अनाउंस किया है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटोर बने। इस कार्यक्रम को लेकर सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल के बीच एक लंबी बातचीत चली है। इस दौरान केजरीवाल सरकार ने सोनू सूद की तारीफ भी की और ये भी कहा कि सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों को हर तरह की मदद दी। जो काम सरकार ने नहीं किया वो सोनू सूद ने किया। वहीं इस प्रेस मीट में सोनू ने बच्चों के लिए इस प्रोग्राम का मेंटोर बनने पर बात की। सोनू ने बताया कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई कि दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। इतना ही नहीं, सोनू ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के स्कूलों के बारे में भी बात की। सोनू ने इस दौरान स्कूल्स की तारीफ की। जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है। एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। बता दें कि सोनू सूद ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। तब से लगातार यही अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोनू सूद राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन सोनू सूद ने उसे सिरे से नकार दिया था। सोनू सूद लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाना हो या फिर किसी को अस्पताल पहुंचाना, सोनू हर पल देश के लोगों की मदद के लिए तैनात है। प्रियंका के सोना रेस्टोरेंट में पहुंचे अनुपम खेर। मिसेस जोनस की तारीफ करते नहीं थक रहे मिस्टर खेर। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर आए दिन किसी न किसी काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाते रहते हैं। ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर हाल ही में अनुपम ने न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा के पॉपुलर रेस्टोरेंट सोना को विजिट किया। मिस्टर खेर ने न केवल यहाँ पर डिनर किया बल्कि वहाँ के शेफ के साथ फोटोज भी क्लिक करके सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की और प्रियंका की तारीफ भी की। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि मिस्टर खेर ने एक वीडियो क्लिप भी अपलोड की है जिसमें उन्हें रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ खड़े हुए देखा जा सकता है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो प्रियंका के रेस्टोरेंट सोना में कितने खुश हैं। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ साथ अनुपम ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं जिसमें सोना रेस्टोरेंट का डिलीशियस खाना नजर आ रहा है। मिस्टर खेर ने इस पोस्ट के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया है। अनुपम ने लिखा है, प्यारी प्रियंका, आपके बेहतरीन रेस्टोरेंट सोना में डिनर करने का अनुभव शानदार रहा। सब कुछ काफी लाजवाब था, खाना, माहौल और वहाँ के स्टाफ जिन्हें हरि नायक हेड करते हैं। आपने हम इंडियंस को एक और मौका दिया है कि हमें आप पर गर्व हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आप बेस्ट हो, जय हो। आपको बता दें कि प्रियंका भी कुछ महीने पहले अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर पहली बार अपने रेस्टोरेंट में पहुंची थी। उन्होंने अपने सोना रेस्टोरेंट से कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिनमें वो
अपने दोस्तों के साथ इंडियन डिशेस का मजा लेती हुई नजर आई थी। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में डोसा और गोल गप्पे खाए थे। बात करें पीसी के प्रोजेक्ट्स की, तो प्रियंका अपनी आने वाली वेब सीरीज की शूटिंग लंदन में कर रही हैं, जिसके वजह से वो रेस्टोरेंट के लॉन्च में शामिल भी नहीं हो पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। टाइगर श्रॉफ ने परचेज किया नया घर। 8 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ श्रॉफ परिवार। क्या अब तक किराए के घर में रहते थे जैकी और टाइगर। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ यंग जनरेशन की इंस्पिरेशन है। टाइगर ने बहुत कम वक्त में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और अब टाइगर ने अपना पहला और नया अपार्टमेंट भी परचेज कर लिया है। मुंबई के खार एरिया में रुस्तम जी पैरामाउंट में टाइगर श्रॉफ का ये नया घर 8 BHK का है। पिछले दिनों टाइगर अपने परिवार के साथ इस न्यू हाउस में चुपचाप शिफ्ट भी हो चुके हैं। सोर्सेस की माने तो टाइगर की बहन कृष्णा ने बताया कि उनकी फैमिली 3 हफ्ते पहले ही इस घर में शिफ्ट हुई है। इसके लिए एक छोटी और बेहद ही प्राइवेट पूजा की गई थी। बात करें घर के डेकोर की, तो घर का इंटीरियर टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ ने तैयार किया है और इसे पूरा करने में उन्हें 3 से 4 महीने लगे। कृष्णा ने यह भी खुलासा किया है कि वो घर में प्रवेश करने वाली पहली सदस्य थी, क्योंकि उनके पंडित ने परिवार को ऐसा करने की सलाह दी थी। लेकिन कृष्णा ने इस बातचीत में एक ऐसी बात भी बता दी जो शायद जैकी दादा या टाइगर के फैंस को नहीं पता होगी। कृष्णा ने बताया कि ये उनका अपना घर है और इससे पहले वो किराए के घर में रहा करते थे। हम 3 हफ्ते पहले शिफ्ट हो गए। बहुत ही चुपचाप हम चारों, डैड, मॉम, टाइगर और मैंने साथ में पूजा की। अब हम तेजी से घर बसा रहे हैं और इसके हर हिस्से को प्यार कर रहे हैं। हमारा कार्टर रोड फ्लैट जहां हम पहले रहा करते थे वो किराए का घर था। ये हमारा अपना घर है। आपको बता दें कि टाइगर के नए घर के करीब ही फेमस पर्सनालिटीज जैसे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और रानी मुखर्जी भी रहते हैं। वहीं बात करें टाइगर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो टाइगर फिलहाल हीरोपंती 2 की शूटिंग के लिए जाने वाले हैं और इसके बाद वो फिल्म गणपत की शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।